और मीडिया के भाइयों और बहनों, हैदराबाद आना हुआ और हैदराबाद आने पे हमने देखा कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा, 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। हमें कुछ बातों को समझना आवश्यक है। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पे इस देश में राजनीति आज से नहीं, आजादी के बाद से हो रही है। आज तक जिन जिन लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पे राजनीति की है, उन्होंने उनकी विरासत के साथ अन्याय किया है, अपमान किया है। आज तेलंगाना में जो सरकार है, ये सरकार खुद को कांग्रेस के साथ खड़ा करती है, कहती है कि विपक्ष में एकजुटता हो। कई बार ये प्रयास होता है, बड़ी बड़ी रैलियां होती है। आप बाबा साहेब की प्रतिमा एक तरफ बनाते हैं और दूसरे तरफ उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जिन्होंने बाबा साहेब को लगातार निरंतर अपमानित किया है। बाबा साहेब का देहांत 1956 में हुआ, 1956 में। बाबा साहेब को भारत रत्न कब मिला? 4 दशकों बाद। इट टुक मोर देन 4 decades फॉर द कांग्रेस गवर्नमेंट टू गिव बाबा साहेब अंबेडकर द टॉप मोस्ट सिविलियन ऑनर, और आप उनके साथ खड़े हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को मात्र वंचित समाज के नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया, शुद्ध रूप से कांग्रेस जिम्मेवार है, आप उनके साथ खड़े हैं। बाबा साहेब अंबेडकर सदन में ना पहुंचे, कांग्रेस जिम्मेवार है, आप उनके साथ खड़े हैं। और आप आज राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा आपकी कोई मंशा नहीं है। दलित समाज का विकास हो, दलित समाज का सशक्तिकरण हो, इसके लिए आपने क्या किया है? तेलंगाना की जनता ने आपको सेवा करने का मौका दिया, आपने सिर्फ और सिर्फ दलित समाज को ठगने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 के बाद हमने देखा है बाबा साहेब अंबेडकर की जन्म जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश, नेशनल हॉलीडे होना, तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े हुए स्थानों को, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने दीक्षा ली, जहां उन्होंने लंदन में पढ़ाई की, उन सभी स्थानों को तीर्थ का दर्जा कब मिला है? पंच तीर्थ योजना से, तो अब मिला है मोदी जी की सरकार में। बाबा साहेब के लोगों को सम्मान और प्रतिनिधित्व कब मिला है? पहली बार देश के इतिहास में एक दलित समाज के व्यक्ति का कार्यकाल राष्ट्रपति भवन में समाप्त हुआ। संविधान के सर्वोच्च स्थान पे दलित समाज का व्यक्ति श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनते हैं और उनके कार्यकाल के समाप्त होते ही पहली बार देश के इतिहास में आदिवासी समाज की बेटी उस स्थान पे पहुंचती है। संवेदनशीलता इसको कहते हैं। अगर वाकई में आप संवेदनशील हैं, अगर वास्तव में आपके हृदय में दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए प्रेम है, तो आप मात्र सिंबोलिज्म नहीं करेंगे, शुद्ध रूप से सांकेतिक बातें, प्रतीकात्मक बातें, रिप्रेजेंटेटिव बातें। आपने क्या कहा था? हम तो चुनौती देते हैं आपको, वी वॉन्ट टू चैलेंज द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। वॉट हैव यू डन फॉर द दलित्स, फॉर द ट्राइबल्स, फॉर द बैकवर्ड, फॉर द मार्जिनलाइज्ड? आपने प्रॉमिस किया था, आपने तेलंगाना की जनता को, दलित समाज को यह बोला कि जब हम सरकार बनाएंगे तो दलित मुख्यमंत्री होगा। कहां है वो दलित मुख्यमंत्री? आपने छला है। दिस इज अ फ्रॉड दैट यू हैव डन टू द दलित्स ऑफ तेलंगाना। आपके मंत्रिमंडल में कितने दलित हैं, हम पूछना चाहते हैं? आपके पार्टी में कितने दलित हैं, हम पूछना चाहते हैं? बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था कि दलितों को सम्मान कब मिलेगा? जब उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जब उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। आपने क्या दिया? एक मंत्री बनाया और आपने कहा कि सबको सम्मान मिल गया। आपको सीखना चाहिए केंद्र की मोदी सरकार से। केंद्र में पहली बार हमने देखा है
हाशिए के समाज को जो प्रतिनिधित्व मिला है, वंचित समाज को जो प्रतिनिधित्व मिला है, वो ऐतिहासिक है. हिस्टोरिकल लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री. 27 मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, 12 मंत्री अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, 9 मंत्री अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं. क्षेत्रीय विविधता, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को प्रतिनिधित्व कब हुआ है? तो अब जाकर के हुआ है. आपने मंत्रिमंडल में एकमात्र दलित मंत्री बनाया और आप कहते हैं कि आप दलितों का कल्याण करते हैं. आपको सीखना चाहिए, केंद्र की सरकार से सीखना चाहिए. और हमें आज भी वो दिन याद है, तेलंगाना की जनता को भी ये याद है और इतिहास याद रखेगा. इतिहास याद रखेगा कि आपने दलितों को, वंचितों को बढ़ने से रोका है. और आज आपको लग रहा है, आज आपको लगता है कि हम स्टैचू बना देंगे, और स्टैचू बना, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं. लेकिन स्टैचू क्यों बना है, इसकी पृष्ठभूमि हम नहीं जानते हैं क्या? इसके पीछे किसका आंदोलन रहा है, किसने दबाव बनाया है, किसका प्रभाव रहा है? शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना यूनिट का रहा है, हमारे अध्यक्ष का रहा है, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के साथियों का रहा है. ये स्टैचू बना है तो हमारे कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है कि ये स्टैचू बना है. हमारी भी उतनी ही भागीदारी है. बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक दल के हैं क्या? बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक विचार के हैं क्या? बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक परिवार के हैं क्या? अम्बेडकर हैं तो संपूर्ण दलित समाज के हैं, संपूर्ण देश के हैं, और ये कोई नहीं रोक सकता है बोलने से. सिर्फ और सिर्फ आप भ्रमित करते हैं, भ्रम फैलाते हैं. आपने चुनाव के पहले कहा कि हम प्रतिनिधित्व देंगे, हम रिप्रेजेंटेशन देंगे. आपने कुछ नहीं किया. आपके पार्टी में आपके परिवार के अलावा कौन है? मुख्यमंत्री कौन रहेगा? तो स्वयं रहेंगे. मंत्री कौन रहेगा? तो पुत्र रहेगा. सदन में कौन जाएगा? तो पुत्री जाएगी. और तो और, आपने चुनाव के पहले क्या वादा किया था? आपने कहा था 3 एकड़ लैंड, 3 एकड़ भूमि हर दलित परिवार को दिया जाएगा. हम हिसाब मांगते हैं आपसे. तेलंगाना की जनता, तेलंगाना का दलित समाज आपसे हिसाब मांगता है. यू हैव टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी. आज इतने सारे बड़े बड़े फार्म हाउस बन रहे हैं, आपके परिवार के फार्म हाउस बन रहे हैं, दलितों का फार्म कहां है? दलितों की भूमि कहां है? आपने तो खूब वादे किए थे, आपने तो बहुत प्रॉमिस किया.